हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे आलो फ्रेंड्स, आई होप सब परफेक्ट होंगे। हाजिर हूँ आप लोगों की फ्रेंड आप लोगों के साथ एक बार फिर से कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। सो आज हम लोग बात करेंगे कॉम होल्डिंग की, सीजर होल्डिंग की एंड सीजर से डिग्रीज की एंड हेयर कट डिग्रीज की बात करेंगे। तो मैं अपने मॉडल पे आपको प्रैक्टिकली डिग्रीज लेके बताऊंगी, करके बताऊंगी, और सीजर होल्डिंग कैसे करनी है, सीजर की डिग्रीज कैसे लेनी है, हमें ये घर पर रिहर्सल कैसे करनी है। तो आज हम लोग इस सारे वीडियोस पे डिस्कस करने वाले हैं, इस सारे मेथड पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप फर्स्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरी वीडियोज़ पे फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग लेंगे कॉम एंड सीजर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये सीजर दो सेक्शन होते हैं सीजर के, जैसे कि इसको रेस्टिंग मोड, एक हो गया कटिंग मोड और एक हो गया रेस्टिंग मोड। कटिंग मोड भी क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल सीजर को चलाना, ये कटिंग मोड हो गया। अब रेस्टिंग मोड कैसे हो गया, ये वाला रेस्टिंग मोड है। हाथ में कैसे सीजर पकड़नी है, नॉर्मली ये वाला गाइडलाइन समझ लो इसको, इसको गाइडलाइन समझ के, ये हमारी थर्ड वाली फिंगर है, इसके अंदर डालना है हमें सीजर को, ऐसे डाला, देन ये ऐसे लास्ट वाली अंगुली को इसके अंदर डाला, बस इतना सीधा सा, देखो एकदम नॉर्मल फॉर्मूला है, ऐसा लिया और यहाँ से एकदम सीधा रखना, ये हो गया रेस्टिंग मोड। ठीक है फ्रेंड्स, ये वापस ऐसा लिया, ये हो गया कटिंग मोड, देन रेस्टिंग मोड। कटिंग मोड कुछ नहीं करना है, नॉर्मल हाथ का मूवमेंट है, ये ऐसे लिया कटिंग मोड, वापस ऐसे किया, सिर्फ हमारे टू फिंगर का ही काम है, ऐसे लिया कटिंग मोड, ऐसे लिया रेस्टिंग मोड। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे कि मैं अपनी मॉडल पे आपको करके बताऊंगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप समझ लो, मैं अपनी मॉडल के ऊपर ट्रायंगल निकाल रही हूँ, तो मेरी सीजर ऐसी रहेगी, मेरे क्लाइंट के कहीं पर भी लगने का डर नहीं रहेगा। जैसे कि नॉर्मल ऐसे सेक्शन ले रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, डिग्रीज बना रही हूँ, ऊपर से नीचे तक डिग्रीज बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी कैसे भी करो, ये सीजर पूरी मेरे यहाँ पे ऐसे रहेगी। चाहे फेस के ऊपर आप देख सकते हो, जैसे कि मैं अपने क्लाइंट के फेस के ऊपर ले रही हूँ, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन कट करते ना तो ऐसे आगे ले जाके करते ना, तो फिर भी देखो मेरी सीजर पूरी यहाँ पर नीचे आ रही है, यानी कि मेरे हाथ के अंदर ही रहेगी, कैसे भी क्लाइंट के फेस के ऊपर लगने का डर नहीं रहता है, आराम से हम लोग हेयर कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सीजर को पकड़ना सीखना है सबसे पहले। तो आप घर पे बैठे बैठे इसकी रिहर्सल करो, ताकि आप इस प्रकार सीजर पकड़ना सीख जाओगे। सेकंड पॉइंट हमारा है कि सीजर को कैसे चलाना सीखना है। फर्स्ट नंबर हमारा यह है ज़ीरो डिग्रीज कट। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे नॉर्मली हमें सीजर चलाना है, सीजर चलाते समय हमें ध्यान रखना है सिर्फ हमारा थंब ही चलना चाहिए। ओके, ये देखो ऐसे नॉर्मली ऐसे थंब ही चलना चाहिए, हमारी फिंगर्स नहीं चलनी है। ये आप देख सकते हो मेरा थंब चल रहा है आराम से। फर्स्ट नंबर ये हो गया ज़ीरो डिग्री, थोड़ा सा इसको ऊपर लिया, हल्का सा ये हो गया 45 डिग्री। देखो इस प्रकार सीजर चलानी सीखनी, ओनली फॉर मेरा थंब चल रहा है, देखो हमें फिंगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। प्रोफेशनल काम करना सीखना है तो आपको प्रोफेशनल तरीके से, फिर ये हो गया 45, देन ये हो गया 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री में ये देखो ऐसे कर सीजर चलाना सीखना है हमें। ये हमारे नॉचिंग करने काम आता है, जैसे कि ये हो गया ऐसे ले लिया, तो देखो मेरा सिर्फ नॉर्मल थंब चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये ऐसे हो गया 90 डिग्री ऊपर से नीचे तक, देन हल्का सा ले रहे हैं ऐसे, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्रीज, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ये भी हमारा 90 डिग्रीज है। हर एंगल से हमें सीजर चलाना सीखना है, ताकि हमारे डिग्रीज के अकॉर्डिंग सीजर चलनी स्टार्ट हो जाएगी, वापस होल्डिंग कर लेंगे, वापस स्टार्ट कर लेंगे। 45 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, इस हाथ से वापस उल्टा डायरेक्शन से सीजर लेना है, तो ये हो गया 90 डिग्रीज। अलग अलग हेयर कट अलग अलग डिग्रीज के अकॉर्डिंग हो गए, तो हमें सीजर ऐसे पकड़ना सीखना है। तो ये हमारा हो गया सीजर कटिंग कैसे करती है, रेस्टिंग मोड भी हो गया और कटिंग मोड, दोनों मोड आपको मैंने बता दिए सीजर के। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कॉम। आप अगर आप कटिंग करना सीखना चाहते हो, प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो, तो कटिंग करते वक्त कभी भी कॉम को नीचे नहीं रखना है, कि नॉर्मल सेक्शन निकाला, कंघे को नीचे रख दिया, वापस कटिंग स्टार्ट कर दी।
ट्रेंगल्स तो फ्री हमें फ्रेंड्स दूसरे कौन से करने हैं, बट ट्रेंगल फ्री हो गया उसके बाद में जैसे जैसे हम हेयर कट करेंगे ना, तब हमें कोई अगर ट्रेंगल और आ जाए तो ये बड़े वाले ब्रशेज से हमें ट्रेंगल फ्री करना है एंड छोटे वाले ब्रशेज से हमें हेयर कट करना है। तो आपको क्या करना है, बीच में से पकड़ना है कॉम को, ऐसे ऐसे हमें ये फर्स्ट वाले फिंगर से हमें ऐसे घुमाते हुए जाना है, जैसे कि डिग्रीज लिया तो ऊपर लाया तो इस वाले कॉम से, और वापस उसको डिग्रीज को फिनिशिंग देनी है तो वापस नॉर्मल छोटे वाले ब्रशेस। तो मैं आपको मॉडल पे करके दिखाती हूँ, जैसे कि आपको एक सेक्शन करके बता रही हूँ, जैसे कि इसमें से ये ऐसे हैं तो इसके अंदर सलवटें हैं बालों के अंदर, तो हमें इसको ट्रायंगल फ्री करना है तो बड़े वाले कॉम से करेंगे। ये देखो ऐसे बड़े वाले कॉम से कर लिया, आप क्या करना है इसको घुमा लो, ऐसे घुमाया ये ऐसे लिया देन ये आ गई हमारे, इस प्रकार से हमें लेना है, इस प्रकार से लेते हुए हमें काम करना है। अब होल्डिंग कर ली मैंने हाथों में, फिंगर के अंदर होल्डिंग हो गई है, तो अब कॉम को कहाँ रखेंगे सीजर चलाने, तो कॉम को हम इस वाले थंब में डालना है, किससे देखो आप ऐसे डालना है, डाला देन सीजर से कटिंग किया। ओके मैं नॉर्मली करके बता रही हूँ कि इस प्रकार में कटिंग करनी है, कटिंग हो गई देन वापस रेस्टिंग मोड में। ओके सीजर रेस्टिंग मोड में आ गई, कॉम वापस इस हाथ में ले लिया, वापस हमें गाइडलाइन को वापस फिनिशिंग से एक बार और लेके देखना है कि हमारा हेयर कट अच्छे से प्रॉपर शेप में आया या नहीं आया। आज लिया कॉम को वापस इधर डाल लिया फिंगर में, लेफ्ट हैंड में हमें कॉम डाल लेना है, देन वापस सीजर से कटिंग किया, वापस सीजर को होल्डिंग मोड पे लाके छोड़ा। इस प्रकार हमें कॉम को यूज़ करना है, कॉम को सीजर को दोनों को बिल्कुल भी नीचे नहीं रखना है कटिंग करते समय, दोनों को हाथ में ही लेते हुए हमें काम करना है। तो ये तो हो गई हमारी कटिंग की बात, डिग्रीज की बात। अब बात करते हैं हम लोग मॉडल के ऊपर, बताऊंगी मैं आपको गाइडलाइन की, तो अब हम लोग बात करेंगे गाइडलाइन की। गाइडलाइन कितनी प्रकार की होती है, तो फ्रेंड्स गाइडलाइन तीन प्रकार की होती है, स्टेशनरी गाइडलाइन और ये एक हो गई ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन, एक हो गई ट्रैवलिंग गाइडलाइन। तो कौन सी कैसे गाइडलाइन बनानी है और कौन सा कैसे किस डायरेक्शन से होगा ये भी बता देती हूँ। स्ट्रेटनिंग गाइडलाइन होती है जो कि हम लोग सेक्शन, समझ लो मैंने आगे से ये इतना सा सेक्शन निकाल लिया, ये इतना सा सेक्शन निकाल लिया, ये मेरी गाइडलाइन है, लिया इसको लेके कट करके, समझ लो यहाँ से हल्का सा कट करके इसको मैंने छोड़ दिया। अब क्या करना है हमें, पीछे वाले बालों को ही इसके अंदर ही मिक्स करना है। ये देखो ऐसे मिक्स किया, प्रॉपर गाइडलाइन अच्छे से निकल रही है, सेक्शन पूरा अच्छे से निकलना है, कॉम हमें टिका के अच्छे से लाइन पूरी निकालनी है। देखो प्रॉपर अच्छे से लाइन निकली हुई मेरी, आगे लाया काटा, यानी कि ये हमारी जो आगे गाइडलाइन बनी है इसको फॉलो करते हुए पीछे वाले बाल सारे आगे आते जाएंगे आगे की साइड काटेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटनिंग गाइडलाइन। और ये किस कट में होगा, ये नॉर्मली वन लेंथ कट में भी होता है और हम लोग ग्रेजुएशन कट करते हैं तो भी होता है, फॉरवर्ड कट करते हैं तो भी होता है और लेयर कट करते हैं तो भी होता है। इसमें हमारी गाइडलाइन आगे से रहेगी, पीछे से सारे बाल आगे लाते हुए जाएंगे, हम लोग उसको मिक्स करते हुए जाएंगे गाइडलाइन में और काटते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी स्टेशनरी गाइडलाइन। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पॉइंट है ट्रैवलिंग गाइडलाइन। तो ट्रैवलिंग गाइडलाइन कैसे होगी, ट्रैवलिंग गाइडलाइन की मतलब यानी कि एक जगह से ट्रैवल करते हुए हमें दूसरी जगह जाना है, यानी कि इस हेड से ट्रैवल करते हुए हमें ट्रैवलिंग करते हुए इस लाइन में जाना है। ठीक है, तो कैसे करना है ये बता दूं मैं आपको। ये लिया सेक्शन, यहाँ से निकाला, प्रॉपर नीट एंड क्लीन सेक्शन निकालना है, लिया देन कटिंग किया, यहाँ से कटिंग करके फिर हमें क्या करना है, एक सेक्शन पीछे से और लिया, इसको लेके हम लोग अच्छे से प्रॉपर कट कर लेंगे। ये देखो यहाँ से ऐसे ले इस गाइडलाइन को भी मिक्स किया, साथ में लग के काटा। फिर हमें क्या करना है, जो हमारी आगे वाली गाइडलाइन थी उसको छोड़ दिया, ये छोड़ दी, ये हमारी गाइडलाइन बनी हुई है, इसके अंदर पीछे वाले मिक्स करेंगे और हम लोग हेयर कट कर लेंगे। फिर यहाँ से हेयर कट किया, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इतने से गाइडलाइन के लिए छोड़ लिए बाल, ये भी इसको आगे कर दिया, फिर इसके अंदर ये वाले मिक्स किए, यानी कि एक जगह से ट्रैवल करते हुए हमें आगे से आगे जाना है, गाइडलाइन बनाई छोड़ी करते हुए इस हेड से जाते हुए इस हेड तक आना है, इसे हम लोग बोलेंगे ट्रैवलिंग गाइडलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से होगी, ट्रैवलिंग गाइडलाइन हो गई हमारी। अब हमारा थर्ड पॉइंट है ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन।
ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन ये मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, फ्रंट ओवर डायरेक्शन एंड बैक ओवर डायरेक्शन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट ओवर डायरेक्शन। ये कैसा होगा फ्रंट ओवर डायरेक्शन, मैं आपको पीछे से एक गाइडलाइन बना के बता रही हूँ फ्रंट ओवर डायरेक्शन की। फ्रंट ओवर डायरेक्शन को हमें जैसे नॉर्मली यहाँ से इतना सा सेक्शन लिया, अब सेक्शन लेके क्या करना है फ्रेंड्स, इसको ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं ना, ये ऊपर लेके गए तो ये तो हो गई डिग्रीज, कि ये डिग्रीज है, इतनी डिग्रीज पे काटना है, हमें इतनी डिग्रीज पे नहीं जाना है। ये फ्रंट ओवर डायरेक्शन है, तो फ्रंट मतलब ये चेहरा बाहर की, हमारे चेहरे के बाहर की साइड जा रहा है ना ये वाला, तो हमें क्या करना है जैसे कि ये इसको इस साइड वाले को इस साइड ले जाके काटना है, जैसे कि ये इस साइड लेके गए, इस साइड ले जाके ऐसे नेक से देखो ऐसे इस साइड ले जाके काट दिया, और इधर वाले बाल हैं इसको हम लोग यहाँ से लाके इस साइड काटेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट ओवर डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इस कट में मोस्टली जैसे कि स्टेप कट हो गया, यू शेप और काटते हैं तो ये वाले कट कटेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बैक डायरेक्शन की, ओवल बैक डायरेक्शन की। तो ओवल बैक डायरेक्शन कैसा होगा, जैसे कि यहाँ से नेक करी नीचे, यहाँ से गाइडलाइन लेके हमने इतने से बाल काट लिए, समथिंग इतने से बाल हमने काट लिए नीचे से कट हो गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए यहाँ से बाल लेंगे, थोड़े से इसको लाके यहाँ से काटेंगे, फिर आगे वाले यहाँ से, यहाँ से, ये सारे यहाँ पे लाके काटते हुए जाएंगे। क्यों क्या होगा, ओवर बैक डायरेक्शन में जो बैक है वो तो छोटी रहेगी और जो फ्रंट है वो यहाँ से यहाँ वाले बाल पीछे आके कटेंगे ना, तो वो आगे जाके लंबे रहेंगे। यानी कि ये किस कट के लिए काम आता है ये वाला डायरेक्शन, तो ये वाला डायरेक्शन बॉब कट के लिए काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम बच्चों के बॉब कट कटिंग करते हैं ना, तो पीछे से गाइडलाइन बनाते हैं, आगे वाले बाल पीछे आके काटते हैं, आगे वाले बाल पीछे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पीछे पीछे ला के काटते हैं, तो पीछे से तो छोटे होंगे और आगे से होंगे बड़े, पीछे तो एकदम छोटे हैं, बाकी आगे से आते हुए ऐसे ऐसे बनते हुए जाएंगे, आगे आते हुए बड़े हो जाएंगे। तो ये हमारा होगा ओवर बैक डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी तीन गाइडलाइन थी जो मैंने आपको समझा दी है। अब हम लोग बात करेंगे डिग्रीज पे। तो डिग्रीज में आपको कॉम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कॉम के अकॉर्डिंग जैसे कि अभी इसकी बात करें तो अभी इसकी आप देख सकते हो, यहाँ से हम लोग बात करें ना, तो यहाँ से यहाँ पे ये 0 डिग्री, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिया, ये हो गया 45 डिग्री, नॉर्मल स्ट्रेट है यानी कि ये है 0 डिग्री, इसको थोड़ा सा ऊपर लिया ये हो गया 45 डिग्री, पूरा ऊपर लिया ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे लिया ये हो गया 135 डिग्री, और नीचे किया ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, डिग्रीज 5 प्रकार की होती हैं। 0 डिग्री लोग डिग्रीज पे, तो डिग्रीज कितने प्रकार की होती है, डिग्रीज 5 प्रकार की होती है। कौन सी, 0 डिग्री, अब मैं आपको बता रही हूँ, डिग्रीज भी कहते हैं इन्हें, एंगल भी कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री को हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं और ब्लंट बोलते हैं। क्या आप जैसे कि कौन से, मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि आप कौन से एंगल में कट कर रहे हो, तो अगर आप 0 डिग्री में तो कट कर रहे हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं ब्लंट ना एंगल में कट कर रही हूँ। तो ठीक है, इस प्रकार से ना एंगल भी बता रही हूँ मैं आपको, डिग्रीज भी बता रही हूँ, यानी कि 0 डिग्री को हम लोग 0 डिग्री भी बोलते हैं और हम लोग ब्लंट भी बोलते हैं कि ब्लंट एंगल। ठीक है, और हमारा सेकंड पॉइंट है 45 डिग्री, इसको 45 डिग्री भी बोलते हैं और वेग एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आती है 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री भी बोलते हैं और लैट्स एंगल भी बोलते हैं। और फिर आता है 135 डिग्री, इसको मिनी लैट्स भी बोल सकते हैं और 35 डिग्री भी बोलते हैं। फिर 180 डिग्री, जिसको हम लोग 180 डिग्री भी बोल सकते हैं और सैग भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। जैसे हम लोग बाल यहाँ पे ऊंचाई पे लेके जाके काटते हैं ना, जैसे कि बाल ऐसे पूरे टॉप पे लेके जाके काटते हैं, तो इसको हम लोग डिग्रीज भी बोल सकते हैं और एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। क्या आपको ऊपर डिग्रीज पे लेके गए तो ये कौन से एंगल पे लेके गए, तो हम लोग एलिमिनेशन एंगल पे लेके गए या फिर डिग्रीज पे लेके गए, टॉप पे लेके काट रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन भी कह सकते हैं और डिग्रीज भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 0 डिग्री की। 0 डिग्री होती है एकदम स्ट्रेट, जिसकी कोई में है
सबसे हमारे जो नीचे नेक में है वहाँ से बता रही हूँ, ये यहाँ पे कॉम रखेंगे तो ये है 0 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। ये एकदम प्रॉपर यहाँ से 0 डिग्री आ रही है। इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्रीज, ठीक है। सीधा स्ट्रेट लाए तो ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ पे लाए थोड़ा सा तिरछा तो ये क्या हो गया 135 डिग्री, और नीचे सीधा अप कर दिया तो ऐसे तो ये स्ट्रेट है, ऐसे लग रहा है कि 90 डिग्री है, बट नहीं, ये हमारे नीचे नेक की बात कर रहे हैं। हमारी जैसे जैसे है ना पूरे हेड का शेप बदलता जाएगा वैसे वैसे डिग्रीज बदल दी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आया तो ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। आपको मैं एक बार कॉम पर भी करके बता देती हूँ, हेड पर तो करके बता दिया, फिर भी आपको एक बार जैसे कि आप समझ सकते हो ये नॉर्मल है, स्ट्रेट है 0 डिग्री, यानी ये ब्लंट डिग्री, ब्लंट एंगल है, ब्लंट एंगल के एंगल। अब हम ऐड करेंगे एक कॉम को करके यहाँ बीच में ले रही हूँ, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 डिग्रियाँ हैं, जो बीच वाला है ब्रशेस यहाँ से बड़ा मिक्स हो रहा है, छोटा भी मिक्स हो रहा है, बीच में से पकड़ रही हूँ ये है 90 डिग्री। तो इस वाले कंघे से हम मिक्स करेंगे, ये 0 डिग्री पे, ये थोड़ा सा ऊपर किया यहाँ पे तो ये हो गया 45 डिग्री, इसको यहाँ पे किया प्रॉपर 90 डिग्री, इसको थोड़ा सा साइड किया ये हो गया 135 डिग्री, इसको डाउन किया ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग डिग्रीज होती जाएगी, तो डिग्रीज के अकॉर्डिंग हमारे हेयर कट होते जाएंगे, और हेयर कट के मैं डिग्रीज के अकॉर्डिंग आपको एक बार और एंगल के नाम बता देती हूँ। 0 डिग्री को हम लोग ब्लंट एंगल बोलते हैं, 45 डिग्री को हम लोग वैग एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री को हम लोग लेस एंगल बोलते हैं, और 135 डिग्री को हम मिनी लेस बोलते हैं, और 180 को हम लोग सैग एंगल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये 5 डिग्रीज है, 5 डिग्री के 5 एंगल्स हैं, तो इनको नाम रखना है। हम डिग्रीज पे भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी हमें कंसल्ट करे तो कौन सी डिग्री पे कर रहे हो, कौन से आप एंगल में कर रहे हो, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें बताना है, इसको हमें मेमोरीज के अंदर अच्छे से सेव करके रखना है। तो आज की फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे वीडियोस पे फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाता, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहती है, हर चीज़ को मैं आपको डीपली नॉलेज देती हूँ, डीपली इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, क्या हुआ, आप मेरे को पूरा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।